नहीं, पार्क में नहीं हूँ, पार्क में नहीं हूँ, घर में हूँ। हाँ, क्लास टेप पर चलेगी आज? दिक्कत होती है क्या तुमको इस पे? नो सर, अच्छा है सर। हाँ, नोट्स मार नहीं पड़ता यस ना, लिखा हुआ ज्यादा साफ दिखता है, ये पॉइंट भी है। यस सर। बोर्ड पे कभी ब्लड हो जाता है तो क्या हो जाता है, स्पर्शिस क्लियर दिखती है। हाँ, सर प्री बेटा क्लास को देखो अपने आप है। नोट्स प्री बेटा क्लास को देखो सर, नोट्स भेज देंगे पीछे आप। सही है, सही है, सही है। अब बताओ कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए अभी? 10 यस सर अभी दस हुए हैं तो। अभी? यस सर, अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही होगी? ठीक यस सर हो रही है। सर है। अभी दसी कैसे आए इतना? अभी अपने दसी क्यों आए? जल्दी ही नहीं चार सर, ना, 5 मिनट। लेट ही जाऊन करते हैं सभी बच्चे आते रहते। अच्छा, मतलब पहले है, मैं 2-4 मिनट 5 मिनट लेट हुआ करता था तुमको आदत पड़ गई इन बात है ना, की। तो लोग टाइम पे हुआ करते थे, आज मैं टाइम पे हो गया। अरे बोर्ड पे नहीं पढ़ाओगे? क्या बेटा? बोर्ड पे नहीं पढ़ाओगे क्या? हाँ, बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। कुछ टॉपिक्स जो बोर्ड पे ही पढ़ने के लायक है ना, उनको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। लेकिन ठीक है। कुछ टॉपिक जो टाइप पे हो सकते हैं वो टाइप पे ही पढ़ेंगे हम लोग। इसमें ज्यादा डायग्राम वाला काम मान लो है ना, वो टाइप पे हो जाएगा। लेकिन चैप्टर्स ऐसे जिसमें एक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, बॉडी एक्शंस, बॉडी लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर्स हो गए, वो तो बोर्ड पे ही करना पड़ेगा, टाइप पे हो ही नहीं सकता वो तो। क्या मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर कराओगे सर? बेटा? मैग्नेटिक फील्ड वाले जो चैप्टर हैं वो कराओगे क्या सर? हाँ, कि बिल्कुल कराऊंगा, नहीं कराऊंगा। अभी उसमें हमारा है चल रहा, नहीं है। यस अभी हमारा क्या चल रहा है, करंट ना बेटा, तो सर, करंट के बाद होगा कैपेसिटेंस, यस और सर। कैपेसिटेंस के बाद मैग्नेटिक फील्ड। नहीं उसमें सर है नहीं, रजो सर पर ये चैप्टर जब क्या बोलो। रजो सर पर ये चैप्टर है नहीं है शायद। हाँ, है ना, बिल्कुल है, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ईएमएफ नाम उसका, ईएमएफ, अच्छा, ईएमएफ, यस सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिलिए, यस वही सर, पढ़ना है बेटा, परमानेंट मैग्नेट बहुत कम पढ़ने हैं हम लोग को। ओके सर। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखो बच्चा, हम लोग पोटेंशियोमीटर देख रहे थे बेटा, बेसिक एप्लीकेशन देख लिया था हम लोगों ने, और हमारा क्या था बेटा निष्कर्ष उसमें? निष्कर्ष बेटा ये कहा था हम लोगों ने कि इफ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड एज वोल्ट मीटर, मीटर, राइट ना बच्चा, याद आया? यस अगर वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसका मेजरमेंट वोल्ट मीटर से भी अच्छा होगा। किस तरह से, ये बात समझ में आ गई थी? बोलो। क्योंकि वोल्ट मीटर में क्या हो रहा था बेटा, जब भी हम कोई रेजिस्टेंस के साथ किसी वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं बेटा, है ना, तो उस रेजिस्टेंस का कुछ करंट का पार्ट चला जाता है वोल्ट मीटर में, है वोल्ट ना, मीटर। जिससे एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस कम हो जाता है बेटा। इसलिए वोल्ट मीटर के मेजरमेंट में हमेशा आता है बेटा एरर, है ना। लेकिन पोटेंशियोमीटर में क्या करते हैं बेटा हम लोग, हमेशा मेजरमेंट नल पॉइंट पे करते हैं, है ना, नल पॉइंट पे करते हैं, इसलिए क्या होता है, करंट का भी डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक मेजरमेंट हमेशा परफेक्ट होता है। ठीक है बच्चा, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखा जाए पोटेंशियोमीटर का बेटा एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन, जिसके लिए वाकई पोटेंशियोमीटर को बनाया गया है ना बेटा, पोटेंशियोमीटर को क्रिएट क्यों किया गया है ना, उसके बारे में बात हो रही है। एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन है ना, या कहो लैबोरेटरी एप्लीकेशन। ठीक है बच्चा, एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन या लैबोरेटरी एप्लीकेशन। ठीक है बच्चा, तो देखो सबसे पहला हमारा इसमें एप्लीकेशन है बेटा, टू मेजर ईएमएफ, टू मेजर ईएमएफ ऑफ एन अननोन सेल। ठीक है बेटा, कोई ऐसा सेल हो जिसका हमें ईएमएफ ना पता हो, है ना बेटा, उस सेल का हमें ईएमएफ निकालना है। ठीक है, और कैसे निकालेंगे, तो विथ
द हेल्प ऑफ ए नोन सेल. ठीक है बेटा, इसमें क्या लेंगे हम, एक ऐसा सेल लेंगे जिसका हमको ईएमएफ पता है, ठीक, और एक ऐसा सेल लेंगे बेटा जिसका हमको ईएमएफ नहीं पता. ठीक है बेटा, और अननोन सेल, नोन सेल की मदद से हम अननोन सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे. ठीक है बच्चा, देखो कैसे. तो देख बेटा, ये हमारा, इमेजिन करो, ये हो गया बेटा हमारा प्राइमरी सर्किट. प्राइमरी सर्किट के जानते हो ना, हर चीज होती है फिक्स्ड, इसमें हम कोई भी चीज चेंज नहीं करते ना बच्चा. यस सर. ये प्राइमरी सर्किट में ये नीचे वाला जो वायर है बेटा, इसको क्या बोलते हैं बताओ नाम. पोटेंशियोमीटर वायर. पोटेंशियोमीटर वायर. इसमें जो हमारा बेटा ईएमएफ, वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, है ना. ठीक है, जाईपी कह सकते हो प्राइमरी सर्किट के लिए. और ये आरपी, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी, ये भी हमारा क्या रहेगा बेटा, एक्स्ट्रा फिक्स्ड रहेगा, है ना. और ए बी वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा बच्चा. ठीक, अब देखो क्या करेंगे बेटा, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ क्या लगाते हैं, स्लाइडिंग जॉकी, है ना बेटा. ठीक है, और यहाँ क्या लगा होता है, एक गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर, ठीक है. इससे क्या किया, ये लगा दिया मैंने एक सेल यहाँ से जाई. ठीक है बच्चा, है ना. देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, स्टेप वन. स्टेप वन में करेंगे बेटा हम लोग, जहां मैंने जाई लिखा है ना बेटा, उस जाई की जगह पे आवाज रुक जाती है सर. सोचो जाई की, सोचो. हाँ सर, आवाज सही नहीं आ सर, बीच बीच में आवाज रुक जाती है सर. अच्छा, कनेक्टेड नहीं है ब्लूटूथ क्या, एक मिनट रुको. कनेक्टेड तो है, फिर क्यों कट रही है आवाज, बीच बीच में हो रही है सर. हो सकता है राउटर से मैं दूर हो गया हूँ, हो सकता है इसे हो रहा हो. एक मिनट जाता हूँ राउटर के पास, प्रोबेबली वहां अच्छा नेटवर्क आया शायद. अभी ठीक है बच्चा है? हाँ सर, अभी तो ठीक है. तो देखो बेटा, ये हमारा जाई हो गया बेटा, जाई के मतलब क्या हो गया बताओ, जाई के मतलब क्या कहा मैंने, ईएमएफ नोन सेल, है ना बेटा, ऐसा सेल जिसका हमें ईएमएफ पता हो. ठीक है बच्चा, है ना. अब क्या करेंगे देखो, अब हम क्या करेंगे बच्चा, जे को स्लाइड कराएंगे. जे इज स्लाइड टू ऑब्टेन नल पॉइंट. नल पॉइंट का मतलब बताओ, गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में नो डिफेक्ट, है ना बच्चा. तो हम क्या करेंगे, जे को इसके ऊपर स्लाइड कराया बेटा, है ना, और तब तक स्लाइड कराया जब तक कि हमें नो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट मिलना जाए. ठीक है, जब हमको नो डिफ्लेक्शन का पॉइंट मिल जाएगा बेटा, तो रुक जाएंगे. ठीक है, है ना. तो कहेंगे लेट, मान लिया जाए, लेट नल पॉइंट, मान लो कि नल पॉइंट है, मिल गया बेटा, नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस ए जे इक्वल टू L1. ठीक है, ए से जे की दूरी L1 मान लो बेटा, इस जगह पे हमें नल पॉइंट मिल गया, मान लेते हैं उस जगह पे हमें नल पॉइंट मिल गया. ठीक है बेटा, तो अब बताओ, अगर वो नल पॉइंट मिल चुका है बेटा, तब क्या कहना चाहोगे, गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन अभी है या नहीं है? नहीं है. नहीं है ना बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से बेटा जो भी करंट आ रहा है ना, वो यू निकल गया, यू निकल गया और फिर यू निकल गया, है ना बेटा, बोलो. यस सर. है ना, तो अगर मैं इस करंट को आई मान लूं, है ना, अगर इस करंट को, अगर बच्चा मैं आई मान लूं, है ना, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं क्या बेटा, कि जो अभी जाइके है ना, वो ए जे पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए. बोलो, अगर तुमने ऐसा कहा बेटा कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं गया, है ना, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं गया बच्चा,
इसका मतलब क्या है कि इस वाले पॉइंट का है ना और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया बेटा, बोलो। यस सर। है ना, और देखो बच्चा इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। यस सर। इसका मतलब ईएमएफ हो गया बेटा क्या, जाई, और ये हो गया ए से जे का पॉइंट, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। यस सर। क्लियर बच्चा? तो देखो अगर मैं कहूं जाई के, है ना बेटा, तो जाई के इस शुड बी इक्वल टू वी ए जे, वी ए जे क्या होना चाहिए, आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए जे, है ना बेटा। तो ए जे का रेजिस्टेंस क्या है, तो कहोगे रो इंटू एल वन By area A, equation number one. कोई दिक्कत? No sir. क्लियर है बच्चा सबको ना ये? Yes sir. ठीक है, अब सोचो कि मैंने क्या किया बेटा, अब मैंने ये किया, देखो क्या कि इस step two में आया, अब मैंने क्या किया देखो, step two में आए, इस step two में मैंने ये कहा कि ये करते हैं बेटा अब क्या हम लोग कि जाई की जगह पे, अब तुम सोचो क्या जाई यू, जायु का मतलब क्या है, बोलो, अननोन सेल, है ना बेटा, ऐसा सेल जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, इस सेल के बारे में पता करना है। अभी क्या पता करना है बेटा हम लोग, ईएमएफ, अभी पता करना है ईएमएफ, है ना बेटा। ठीक, अब क्या करोगे, फिर से जे को सेट कराओगे ना बेटा। यस सर। अब तुम सेल चेंज कर दिए हो, है ना बेटा, तो जॉकी को फिर मूव करना पड़ेगा ना बेटा, है ना। तो फिर से कहा मैंने जे is slide to find null point, ठीक है बच्चा, है ना। और मान लो हमें null point मिल गया at aj is equal to l2, ठीक है बेटा, हमें कहाँ मिल गया, aj equal to l2 मिल गया, ठीक है बेटा, l2 पे हमें null point मिल गया। तो देखो बच्चा अगर फिर से हमको मिल गया null point, इसका मतलब फिर से सर्किट में देखो प्राइमरी सर्किट का करंट सेम रह गया ना बेटा। यस सर। है ना, तो अगर प्राइमरी सर्किट का करंट सेम रह गया, इसका मतलब तो ये हुआ बच्चा कि जाई यू, है ना बेटा, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी ऑफ एजे, बोल बेटा। यस सर। और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया जाई यू इज इक्वल टू आई ऑफ रो ऑफ एल टू बाई ए, बोल बेटा, होगा इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। यस सर। समझे बच्चा, अब तुम क्या कर दो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड कर लो, ये हमारा इक्वेशन टू हो गया ना बच्चा, इस इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को अगर तुम डिवाइड कर लो तो क्या मिलेगा बच्चा, बताओ। के बाई यू, टू बाई वन कर लेते हैं बच्चा, तो ये हो जाएगा जाई यू बाई जाई जाइके इक्वल टू एल वन बाई एल टू। क्लियर है बेटा? टू बाई एल वन आएगा ना, टू बाई एल वन आएगा। एल टू बाई एल वन, सबको समझ में आ गया बेटा, ये वापस दोनों जगह एल टू लिख दिया कि हम लोग पोटेंशियोमीटर की मदद से किसी सेल का जिसका हमको ईएमएफ ना पता हो, है ना बेटा, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन वन, ठीक है, है ना। अब देखो दूसरा हमारा एप्लीकेशन, तो बताओ कि सेल के बारे में और क्या निकालना चाहोगे सर। बोलो सर, ये फिगर सर ऐसा ही बना सकते थे कि एक अननोन अननोन दोनों पैरेलल में ले लेते और दोनों के बगल में स्विच लगा देते, एक करके स्विच हटा देते, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात, वैसे भी कर सकते हैं हम लोग, ताकि स्विच चेंज करते रहे हम लोग, है ना। ओके ओके सर, हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चा सेकेंड एप्लीकेशन, दूसरा हमारा एप्लीकेशन क्या है, तो कोई सेल के बारे में क्या जानना चाहोगे तुम, इंटरनल रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात। अब क्या है, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, है ना बेटा। यस, द हेल्प ऑफ
विद द हेल्प ऑफ ए नोन रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चा, एक रेजिस्टेंस नोन और एक रेजिस्टेंस अननोन, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे देखा जाए। देखो बच्चा, फिर से हमारा बच्चा ये प्राइमरी सर्किट जाईपी आरपी और ये हमारा बेटा पोटेंशियोमीटर वायर एबी, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर एबी, फिर से यहां से एक पॉइंट निकाला बेटा, यहां पे एक स्लाइडिंग जॉकी, ये हमारा बच्चा गैल्वेनोमीटर है ना, और इससे हमने वो सेल को जोड़ दिया बेटा जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है स्मॉल आर, ठीक है, और इसके बाहर से एक वो रेजिस्टेंस लगा दिया बेटा कैपिटल आर है ना, जो कि हमारा नॉन रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चे, और ये हमारा है स्विच, ठीक है। तो देखो स्टेप वन, स्टेप वन में क्या करेंगे बेटा हम लोग, अभी पहले स्विच को ऑफ रखेंगे, पहले हमने स्विच को ऑफ रखा, स्विच को ऑन किया ही नहीं, ठीक है, और क्या किया, जे को स्लाइड कराया, जे इज स्लाइड टू ऑब्टेन नल पॉइंट, ठीक है बेटा, और मान लो ये नल पॉइंट कहां पे हमारा आया, नल पॉइंट हमारा एजे इक्वल टू फिर से आया बेटा 11 पे है ना, फिर तुम वैसे ही कहोगे कि देखो अगर नल पॉइंट आ गया इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी सर्किट में जो करंट यहां से आया वही करंट यहां मूव करता हुआ चला गया ना, बोलो बेटा यस सर, है ना, ये करंट हमारा सेकेंडरी में गया ही नहीं, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो कहोगे इसका मतलब ये होना चाहिए बेटा कि इस जगह पे, इसका मतलब ये होना चाहिए बेटा कि इस जगह पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जाई, पोटेंशियल डिफरेंस इसका सेल का कितना है बच्चा, अभी जाई जाई शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए जे है ना बेटा, इसका मतलब जाई शुड बी इक्वल टू आई ऑफ रो 11 बाई ए, बोल बेटा होगा, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है ना बेटा, है ना। अब देखो स्टेप टू, स्टेप टू में अब क्या किया मैंने कि स्विच को अब ऑन कर दिया, ठीक है, तुम जैसे ही स्विच ऑन करोगे बेटा पूरा सर्किट हो जाएगा डिस्टर्ब, सोचो कैसे, जब स्विच हमारा ऑफ था बेटा तो बोलो तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, बोलो जाई था ना बेटा, यस सर, एजे के इक्वल है कि नहीं, लेकिन अब सोचो तुम जैसे ही स्विच ऑन कर दोगे बेटा, जैसे ही हमारा स्विच ही ऑन होगा है ना, ठीक है, तो ये स्विच हमारा ऑन होते ही इस सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा ना, बोलो सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा ना, बोलो यस सर, मान लो फ्लो करना शुरू कर गया बेटा, आई नॉट मान लिया मैंने उसको, ठीक है, आई नॉट करंट फ्लो करना शुरू कर दिया बेटा, बताओ तुम इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या तुम जाई का पाओगे, नो सर, अब करना पड़ेगा बेटा जाई माइनस आई नॉट आर, बोलना पड़ेगा ना, यस सर, है ना, तो जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टर्ब होगा बेटा अब गैल्वेनोमीटर से करंट आना शुरू हो जाएगा, बोलो yes. है ना, इसका मतलब नल पॉइंट ढूंढने के लिए तुम्हें फिर स्लाइड करवाना पड़ेगा, यस सर, ये बात समझ रहे हो ना, यस सर, तो क्या कहेंगे बेटा हम लोग अभी कि जे को हमें फिर से मूव कराना पड़ेगा है ना, जे इज स्लाइड टू ऑब्टेन नल पॉइंट अगेन है ना बेटा, अनम्यूट करा रहा हूं सभी को सर, एज इक्वल टू एल टू का मैंने मान लिया बेटा इसको, ठीक है, तो देख बेटा एज बराबर एल टू पे हो गया, तब फिर से कहोगे करंट फ्लो नहीं कर रहा, ध्यान देना बेटा इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, कौन सा सेल, प्राइमरी या सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी है ना, शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एज, ठीक है बच्चा, है ना, ध्यान देना बेटा, अब देखो तो सेकेंडरी सर्किट पे ध्यान देना बेटा है ना, जो रेजिस्टेंस तुम्हें नीचे दिख रहा है
और जो सेल दिख रहा है बेटा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि डिफरेंट है? सेम हो, सेम है सर, पहला लगे। हाँ तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं क्या बच्चा? आई नॉट आर, बोलो, इज इक्वल टू सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आई इनटू रो एल टू बाई ए, बोल बेटा, ठीक है ना? यस सर। आई नॉट हमारा क्या हो गया? आई नॉट को बोल सकते हैं हम लोग जाई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। महसूस करो, अगर हमारा बेटा ये हो गया कि प्राइमरी सर्किट से करंट नहीं आया, है ना, गैल्वेनोमीटर से हम कंफर्म बेटा करंट नहीं आया, इस गैल्वेनोमीटर से हम कंफर्म है करंट नहीं आया, इसका मतलब बेटा इसमें जो करंट हमारा आएगा आई नॉट, वो तो इसी में घूमता रह जाएगा, बोलो, है ना? यस सर। ठीक है, तो इस सर्किट में आई नॉट हम क्या बोल देंगे? आई नॉट शुड बी इक्वल टू ईएमएफ बेटा जाई, ईएमएफ जाई डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। यस सर, समझे ना? ठीक है, अब देखो बेटा ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू, ये हमारा हो गया बच्चा इक्वेशन नंबर टू, है ना, इनटू कैपिटल आर इज इक्वल टू आई रो एल टू बाय ए, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है बेटा, है ना? अब क्या किया जाए, वन टू को फिर डिवाइड कर लिया जाए, है ना? तो देखो तो बच्चा अगर तुम वन टू को डिवाइड करोगे इस बार, है ना, तो क्या हो जाएगा? देखो तो वन बाई टू अगर करोगे तो जाई कैंसिल, आर प्लस आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू एल वन बाई एल टू, इसका मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ऑफ एल वन बाई एल टू माइनस वन। बोलो बेटा, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत है बेटा? बोलो बोलो सर, वो वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए, वो जाई ओवर आर प्लस आर इनटू आर, कौन से सर्किट की बात कर रहे थे? थोड़ा सा कम समझ में है। इक्वेशन नंबर 2 में? यस सर। इक्वेशन नंबर 2 में देखो बेटा, सेकेंडरी सर्किट की बात करो। यस सर। सेकेंडरी सर्किट में मतलब किसकी बात करने बोल रहा हूँ बच्चा मैं तुमसे? मैं बोल रहा हूँ बेटा कि तुम इसकी बात करो, इस वाले क्वेश्चन की बात करो। ठीक है, बोलो, है ना? अब देखो बेटा इस वाले में जो मैंने ग्रीन से दो बनाया सर्किल, दिख रहा है? ग्रीन से जो छोटे छोटे मैंने बनाया सर्किल बेटा, है ना, उस सर्किल का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बेटा, और ए और जे का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए ना बेटा, बोलो, है ना? और देख बच्चा, जितना सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होना चाहिए। सर वो जो स्मॉल आर वाला सेल है ना, कैपिटल आर वाला नीचे नीचे देखो, यस सर, है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए ना? यस सर। बात समझी ना बेटा? तो देखो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बोलो बेटा या कैपिटल आर का बोलो, बात एक ही है। यस सर। इसलिए सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख दिया आई नॉट आर। यस सर। ठीक है बच्चा, है ना? और दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एजे। ओके सर। एजे क्या हो गया? तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस करंट आई और आई इनटू रो एल टू बाय ए। यस सर। क्लियर? यस सर। बाद में गई बच्चा? यस सर। अब देखो इस सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट की बात करो बेटा, सेकेंडरी सर्किट की बात करो तो इस सर्किट में टोटल कितना ईएमएफ? ओनली जाई। जाई, यस सर। और कितने रेजिस्टेंस? स्मॉल आर सेल का और कैपिटल आर एक्सटर्नल। यस सर। तो करंट बच्चा इतने ही ना होगा, देखो। यस सर। आई नोट यहाँ पुट कर लिया बेटा। ओके सर। क्लियर? यस सर। है ना बेटा, तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे बेटा वो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन होंगे, है ना, कि ये सेल का इतना ईएमएफ है तो उस सेल का बताओ कितना होगा ईएमएफ, है ना, ये रेजिस्टेंस इतना है तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है बेटा यहाँ, सिर्फ फॉर्मूला तुम्हें याद रखना। ओके सर। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया हमारा बेटा पोटेंशियोमीटर। ठीक, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में, है ना? अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज। अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट का नाम
मीटर ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज जो हमारा है बेटा, ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज पे आधारित है ना, ये कम्प्लीटली व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही आधारित है 100%, ठीक है बेटा। और इसको मीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो वायर इस्तेमाल होगा उस वायर की लंबाई कितनी होगी बच्चा, एक मीटर होगी, है ना, 100 सेंटीमीटर होगी, ठीक है बच्चा। तो देखो इसमें एक पॉइंट क्या कहेंगे हम लोग बेटा, बोलो कि कंप्लीटली बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है बेटा, है ना। दूसरी बात क्या होगी इसमें कि लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इज 1 मीटर, जो वायर इस्तेमाल होगा वो कितना होगा, 1 मीटर होगा। हमेशा 1 मीटर ही हो जरूरी नहीं है बेटा, है ना, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशंस में 1 मीटर ही पुट करते हैं, ठीक। तो देख बेटा अभी वाले कंडीशन में जो वायर की लंबाई हमारी 1 मीटर है ना, इस मीटर ब्रिज का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, सुनना ध्यान से बेटा सब लोग। देखो इसमें क्या होंगे बेटा, मेटल के 2 मोटे मोटे स्ट्रिप होंगे, मोटे मोटे 2 स्ट्रिप मेटल के, एक ये हो गया स्ट्रिप, थोड़ा बड़ा बनाते हैं चलो, मोटा करने का पर्पस क्या हो बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है बेटा, है ना, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा होगा बेटा तो ऑब्वियस ही बात है एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना हम लोग कि रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, बोलो स्मॉल होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई होता है ना बेटा, तो मोटा होगा हम लोग, एरिया बहुत ज्यादा तो रेजिस्टेंस बहुत कम, ठीक है। ये दोनों हमारे बहुत हैवी हैवी मेटल के स्ट्रैप्स हैं, है ना, मेटल के स्ट्रैप्स हैं बेटा, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक। और दोनों को मैंने मान लिया बेटा आइडेंटिकल, इन दोनों को मैंने मान लिया बेटा दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, मतलब एक तो रेजिस्टेंस कम है बेटा और अगर कुछ है भी तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना। चलो इसका मैं नाम दे दिया बेटा P और इसका मैं नाम दे दिया Q, ठीक। अब इसमें यहाँ एक लगा रहेगा स्क्रू जैसी बात और यहाँ भी लगा रहेगा स्क्रू जैसी बात, ठीक है बेटा। और इन दोनों स्क्रू को जुड़ा रहेगा एक वायर से, मतलब तुम खुद एक्सपेरिमेंट करने जाओगे ना अगर बेटा, है ना, तो तुम क्या देखोगे एक्चुअली, जैसे मेरा तुम्हें दिख रहा है ना ये टैब, जो टैबलेट का दिख रहा है बेटा स्क्रीन, है ना, तुम समझना कि वो एक लकड़ी का बोर्ड होगा, ठीक है बेटा, एक लकड़ी का बोर्ड होगा, उस बोर्ड पे 2 मेटल के स्टेप्स ऐसे फिक्स होंगे और इसमें होल्स बने रहेंगे, यहाँ होल बना हुआ रहेगा, यहाँ होल बना हुआ रहेगा, यहाँ होल बना हुआ रहेगा, यहाँ होल बना रहेगा, है ना, इसलिए ताकि तुम स्क्रू से वहां टाइट कर सको, ठीक है। तो एक तुम्हें दिया जाएगा 1 मीटर लंबा एक क्या स्ट्रिप, है ना बेटा, सॉरी वायर, तुम स्क्रू के सहारे दोनों पॉइंट भी टाइट कर दोगे उसको, है ना, और जिस बोर्ड पे फिक्स रहेगा, है ना, जिस बोर्ड पे ये फिक्स रहेगा उस बोर्ड पे इन दोनों स्ट्रैप के बीच में निशान बने रहेंगे, मार्किंग बनी रहेगी, कैसी मार्किंग, तो कहना बिल्कुल वैसे ही रहेगा बेटा मार्किंग जिस तरह से एक स्केल में होता है ना, जैसे कि यहाँ 0 सेंटीमीटर बोलो, ठीक है, यहाँ मान लो आगे कहीं होगा 10 सेंटीमीटर, है ना, आगे कहीं होगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या होगा बच्चा 100 सेंटीमीटर, बात समझे ना, ठीक। अब तुम्हें करना क्या होगा बेटा, इस मेटल स्ट्रिप के बीच में एक और बीच में थोड़ा सा दिखेगा ब्लॉक, है ना, और इस ब्लॉक में भी तुमको 2 रहेंगे क्या होल, ठीक है, है ना, फिर तुम्हें दिए जाएंगे 2 और वायर, 2 और वायर दिए जाएंगे, उन दोनों वायर को तुम्हें यहाँ जोड़ना होगा, यहां से एक यहाँ जोड़ोगे और यहां से एक यहाँ रहेगा, समझे बेटा, ठीक। इन दोनों वायर में से एक वायर ऐसा होगा बेटा जिसका रेजिस्टेंस तुम्हें पता होगा कैपिटल आर, ठीक है, और उसमें से एक ऐसा रेजिस्टेंस होगा एक्स, है ना, एक्स मतलब क्या, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब इसका रेजिस्टेंस हमें मेजर करना होगा, ठीक। अब इस बीच वाले प्लेट से एक और स्क्रू के सहारे, है ना, एक लगा रहेगा बच्चा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और यहां से रहेगा बेटा ये स्लाइडिंग जॉकी जे, है ना, स्लाइडिंग जॉकी जे जो कह रहा है, जे को अगर मैं बोलूं कि तुम उल्टा देखो, तुम्हें जे दिख रहा ना बेटा, जे लेटर को अगर तुम उल्टा देखोगे तो क्या दिखेगा, एक
दिखेगा हुक क्या दिखेगा ऐसा हुक बोलो यस सर हाँ तो वही है जॉकी है बेटा जॉकी जे जो है कोई स्पेशल नहीं है ऐसे हुक के आकार का है ना और यूजुअली ऐसे लगा होता है ऐसे स्लाइड करता है हॉरिजॉन्टल तो जे दिखेगा तुमको ये इसलिए बोलते हैं स्लाइडिंग जॉकी समझा हाँ हुक जैसा होगा ये हुक जो होगा बेटा इस वायर पे लगा रहेगा और आसानी से तुम मूव करा सकते हो उसको ठीक है बेटा अब तुम्हें कोई सेल दिया जाएगा सर्किट दिया जाएगा है ना बेटा ठीक है उसको या तो तुम्हें इनके और इनके बीच में वो जोड़ना रहेगा बेटा है ना या सिंपल बना रहेगा एक सॉकेट और उस सॉकेट में तुम्हें एक सेल सिंपल फंसा देना होगा प्लस माइनस हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के लिए ठीक है बेटा तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मीटर ब्रिज बात समझे बेटा यहाँ तक ठीक है ना yes, तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल तो समझ में आ गया हम लोग को यूज क्या है इसका क्यों यूज करते हैं तो क्या कहोगे टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर है ना बेटा कोई वायर हो जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा यहां तक बात समझ में आई बच्चों ठीक है सब कुछ ऑन करने के बाद फिर क्या करोगे बहुत सिंपल काम वही काम फिर से वही है ना बेटा कि स्लाइडिंग जॉकी को स्लाइड कराओगे है ना बेटा स्लाइडिंग जॉकी इज स्लाइड टू ऑब्टेन नल पॉइंट है ना बेटा नल पॉइंट ढूंढने के लिए स्लाइडिंग जॉकी को मूव कराओगे है ना बेटा चलो मान लो मिल गया तुमको कहां मिला से ए से इक्वल टू एक्स है ना बेटा ठीक है ए से जे की दूरी हमारी कितनी एक्स ये है ए और ये है बी तो जे की दूरी अगर एक्स बेटा तो ये बताओ जे से बी की दूरी क्या होना चाहिए फिर बोलो 100 माइनस एक्स बिल्कुल सही कहा 100 माइनस एक्स है ना बेटा ठीक और अगर नल पॉइंट मिल गया इसका मतलब बताओ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा इसका मतलब क्या समझोगे बिल्कुल सही बात है ना बेटा हम कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर रीड्स नो करंट है ना बेटा इसका मतलब क्या हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड बोल बेटा है ना इसका मतलब क्या होना चाहिए एक्स बाई आर शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ जे बी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ ए जे बोल बेटा यस सर बोलोगे और रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा हमेशा प्रोपोर्शनल टू लेंथ बोलो होता है ना तो कैपिटल एक्स बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्टेंस स्मॉल एक्स बाय डिस्टेंस स्मॉल एक्स बोल बच्चा आगे बात समझ में कोई दिक्कत बेटा इसमें नो सर क्लियर है बेटा एकदम नहीं है बोलो यस सर ठीक चलो ध्यान देना बेटा अच्छे बताओ पी क्यू जो मेटलिक प्लेट्स तुम मैंने बनाए हैं बेटा है ना वो दोनों पी और क्यू प्लेट्स के बारे में मुझे बताना मुझे कि वो दोनों जो प्लेट्स मैंने बनाए हैं उनका रेजिस्टेंस जीरो है या बहुत कम है बहुत कम सर जीरो तो नहीं है ना? बहुत कम जीरो तो नहीं है लेकिन नो सर जीरो नहीं है बेटा इसका मतलब वाकई में बताओ जो मैं यहाँ डॉट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ दिखा डॉट लाइन डायग्राम में इस पूरे जोन का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ पी बोलो यस सर और इस तरफ क्या होना चाहिए बोलो एक्स प्लस क्यू होना चाहिए इसका मतलब हमारा ये मेजरमेंट जो है परफेक्ट है कि नहीं है नहीं सर
इसके मतलब इसके मेजरमेंट में एरर आएगी ना? यस सर। करेक्ट, यहां तक बात समझ में आया? ठीक है ना? तो एरर कहां किसकी किसकी वजह से आएगी बेटा? टल स्ट्रिप्स की वजह से। स्ट्रिप्स के रेजिस्टेंसेस की वजह से आएगी। एग्री ना बच्चा? यस सर। ठीक, चलो ध्यान देना, ध्यान दो बेटा। मान लो कि जॉकी की जो लंबाई है x है ना, वो इस डायग्राम में x कहां से कहां की दूरी है बताओ? a से j की दूरी है ना बेटा x? बोलो। यस सर। और x कैसे नापोगे? तो यहां जो स्केल का मार्किंग बना हुआ था उसकी मदद से नापोगे ना बेटा, है ना? यस सर। इमेजिन करो कि जॉकी एक पॉइंट पे आया, कहां पे आया देखो। मान लो बच्चा ये हमारा है 31 सेंटीमीटर निशान है ना, और ये मान ले बच्चा 32 सेंटीमीटर का निशान है, तो बीच में कितने डिवीजन होंगे इसमें बोलो? 100 होंगे इस डिवीजन। बोलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 10 डिवीजन सर, एक बार फिर से बता रहा सर, क्या कह रहे हो? अगर कहोगे बेटा स्केल जो बना होता है बेटा, नॉर्मल जो स्केल तुम देखते हो है ना, बोलना बेटा उस स्केल में एक सेंटीमीटर में कितने होते हैं डिवीजन? 10 देखो यहाँ दिख रहा है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहे हैं, है ना? यस सर। अब देखो बेटा, अगर मैं कहूँ इसके, देखो मैंने एक लाइन बोल्ड की, दिखा लाइन, सेकेंड लाइन, ये लाइन क्या है 31 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। यस सर। 31.1 है ना। अब तू इमेजिन कर बच्चा, कि इमेजिन कर कि तेरा जो जॉकी जो है ना बेटा, वो जॉकी देख कहां पे आगे फंस रहा है, देखा ध्यान से, जॉकी जो आगे फंस रहा है बेटा वो एकदम यहां पे आगे फंस रहा है ऐसे। अब बोलो ये तो 31.56 वाला पॉइंट है ना, और 7 वाले के बीच में आ गया है, तो है ना? तो इसको 5-6 मिलीमीटर पढ़ा जाए या 7 मिलीमीटर पढ़ा जाए? बोलो। लेकिन क्या वो एग्जैक्ट 6 है? नो नहीं, नो सर, नहीं है ना। इसका मत नाप में इधर आ रहा है बेटा, बोलो तेरा मेजरमेंट में आ रहा है इधर? यस सर, है ना बेटा। तो मेजरमेंट में अगर आएगा तो x की वैल्यू निकालोगे तुम, कैपिटल x की वैल्यू, क्या वो सही आएगा? नो सर, नो सर, नहीं ना आएगा बेटा, सही बताओ। ये बात समझ में आई सबको? हैं? Yes, तो मीटर ब्रिज में जो मेजरमेंट होगा बेटा, क्या वो परफेक्ट होगा? नहीं ना बच्चा। तो पहला पॉइंट नोट में, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा देखना, मैंने कहा बेटा एरर इन मेजरमेंट ऑफ कैपिटल एक्स इज देयर, है ना बेटा? ठीक है, तो पूछे क्यों, तो क्या बताओगे किसकी वजह से? ड्यू टू स्ट्रिप के, बोलो बोलो, स्ट्रिप के रेजिस्टेंस की वजह से। बिल्कुल सही बात है ना बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रैप्स, है ना बेटा। और क्या बोलो, और बोलो, एंड लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट, है ना बोलो? यस सर। मेजरमेंट का जो लिस्ट काउंट हमारा है कितना है बच्चा, वो यहाँ कितना था स्केल में, 1 मिलीमीटर ना बेटा, 1 मिलीमीटर से कम नाप सकते हो क्या? नहीं नहीं ना बेटा। तो इस मेजरमेंट के लिस्ट काउंट की वजह से आ रहा है बच्चा इरर, बोलो। यस सर। तो दो कारणों से इरर आ रहा है, ये बात सबको क्लियर हुई बच्चा? यस सर। ठीक, लेकिन बेटा हम तो यही क्वेश्चन करेंगे ना कि हमारे इरर कम से कम हो। यस सर। बोलो है कि नहीं। तो देखो बेटा हम बिल्कुल ये बात समझते हैं कि मेजरमेंट में हमारा एरर किस में आया था, एक्स में ना बेटा, है ना?
लेकिन फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एक्स और 100 माइनस एक्स, बोल बेटा है ना। अगर x में गलती होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि 100 माइनस x में भी गलती होगी। यस सर। है ना बेटा, ठीक है, क्लियर? यस सर। तो एक्चुअली ये रेशियो क्या है, ये रेशियो है L1 अपॉन L2 है ना बेटा, है ना? यस। चलो बताना मुझे बेटा, चलो मान लो मैंने कहा एक मेजरमेंट देखो, मैंने कहा 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर, है ना बेटा, और एक मैंने कहा 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर, है ना बेटा। दोनों में इधर का इधर सेम है कि डिफरेंट है? सेम सेम है मेजर्ड, लेकिन मेजर्ड वैल्यू डिफरेंट है। बता बेटा दोनों में परसेंटेज इधर सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट डिफरेंट है ना बेटा। अच्छा बताओ, मान लिए थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, है ना बेटा, ठीक, कि तुम 500 रुपए लेके किसी काम से जा रहे थे कहीं, इमेजिन करो 500 रुपए लेके कहीं जा रहे थे, ठीक है, अचानक रास्ते में 500 रुपए यहीं गिर जाए, दुख होगा ना बेटा? ये तेरे पे मार पड़ेगी, घर पे मार पड़ेगी, बिल्कुल सही बात। मतलब मन को दुख तो पहुंचेगा पहुंचेगा, मन को दुख तो पहुंचेगा ही, तन को भी दुख पहुंचने के पूरे चांसेस है, है ना। लेकिन वही सोचो, चांसेस नहीं है सर, कंफर्मेशन है। लेकिन बेटा वही 500 रुपए अगर अंबानी के पॉकेट से गिर जाए तो उसको पता भी चलेगा कि गिर गया पैसा कुछ नहीं, नहीं चलेगा पता ना। इसका मतलब गिर गया, इसका मतलब बेटा एब्सोल्यूट एरर से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि किसका पैसा गिरा है। yes, है ना। तो बताओ परसेंटेज एरर यहाँ ज्यादा है किसमें? टेन वाले में। टेन वाले में, टेन वाले में ना बेटा, है ना। इसका मतलब अगर पूछे कि रेस्पेक्टिव एरर बताओ किसमें कम एरर है, तो क्या बोलोगे? 20 वाले में। 20 वाले में कम एरर ना बेटा, है कि नहीं? इसका मतलब तो ये है कि समझो बेटा लिस्ट काउंट की तो वैल्यू फिक्स है 1 मिलीमीटर ना, बोलो लिस्ट काउंट की इधर कम है ना बेटा, बोलो तो 1 मिलीमीटर फिक्स है बेटा, है ना। अब तुम चाहोगे इस इरर से तुम पे असर कम से कम पड़े, अगर तुम पे असर कम से कम पड़े तो तभी ना हो सकता है बेटा जब L1 और L2 मैक्सिमम हो, बोलो। यस सर। समझे? L1 और L2, L2 अगर मैक्सिमम हो तो इफेक्ट कम पड़ेगा, बोलो। Yes, नहीं आया। ठीक है, तो अब बताओ L1 L2 अगर मैक्सिमम करोगे तो कितना कितना कर सकते हो? 50-50। तो सही बात। इसका मतलब पूछे कि मीटर ब्रिज में सबसे कम एरर कहाँ पे आएगा, तो क्या बोलोगे? मिड पॉइंट के आसपास, है ना बेटा। अब इसका एक और फायदा देखो, देखो बेटा P और Q दिख रहा है मेटल प्लेट्स। यस सर। है ना बेटा, अब मैं कहूँ मान लिया मैंने कि P वाले मेटल प्लेट का रेजिस्टेंस अल्फा है, ठीक है, तो Q वाले का भी अल्फा है। बोलो। यस सर। अब बताओ बाईं तरफ टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया? R plus alpha। और दाईं तरफ? X plus alpha। करेक्ट, है ना। अब सोच के देखो, अब सोचो ये इक्वेशन लिखा था मैंने, उस इक्वेशन में अगर मैं कहूँ कि इक्वेशन देखो इसमें भी अल्फा यहाँ जोड़ दूं बेटा, है ना, ठीक है, अल्फा यहाँ भी जोड़ दिया जाए और अल्फा यहाँ भी जोड़ दिया जाए, है ना, ठीक। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब हम कैपिटल एक्स निकालेंगे तो वो तो अल्फा का फंक्शन आएगा, है ना। लेकिन मुझे बताओ अगर एक्स और आर की वैल्यू बराबर हो तो अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा ना इससे, बताओ अल्फा से? नहीं नहीं। एक्स आर कैंसिल कब होगा? जब 50 सेंटीमीटर है बैलेंस हो। यस सर। तो क्या ये बात समझ में आ गई बेटा कि मीटर ब्रिज में मिड पॉइंट के पास का मेजरमेंट में सबसे कम एरर होता है, ये स्टेटमेंट हजम हो गया अब? यस सर। ठीक, लिख लिया जाए इसको, पॉइंट इम्पोर्टेंट है ना बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुके हैं बेटा,
एडवांस में आ चुके हैं क्वेश्चन, है ना, कि सबसे कम एरर कहाँ होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। पर अगर मेटल प्लेट को हटा के ए पर ही वो रेजिस्टेंस आर लगा दिया जाए तो ए पॉइंट पर, हाँ सर ए पॉइंट पर ही रेजिस्टेंस आर नहीं लगा सकते क्या मेटल प्लेट की? मेटल प्लेट ना ले, यस सर ये बात समझ बेटा, मेटल प्लेट एक्चुअली है क्या, अपने आप में कनेक्टर है, मेटल प्लेट्स हमारे क्या है, कनेक्टर्स हैं, है ना, मेटल प्लेट्स या बीच का ब्लॉक जो है ये सब कनेक्टर्स हैं, तो जो भी दीवार को जोड़ोगे बेटा तो कहीं ना कहीं तेरे को कनेक्टर चाहिए ना बेटा, बोलो। यस सर। बिना कनेक्टर के सर्किट क्या प्रैक्टिकली जुड़ सकता है, सोच के देखो तो, है ना बच्चा, कनेक्टर चाहिए वाकई में, है ना। तुम अगर क्या करते हो, तेरे घर में कहीं वायरिंग खराब हो जाती है, तुम्हें पता चल गया किसी खास पॉइंट पे वायर का मेटल जो है गल चुका है, तो क्या करते हो, वहां से काट देते हो वायर को और फिर दोनों वायर को जोड़ दिया, करते हो ना ऐसा घर में? तुम अगर वायरिंग किए होगे, मान लो कभी अगर काम किए होगे, बिजली का काम अगर किए होगे, है ना, तो मान लो ये वायर है बेटा, ठीक है, तो पता लग चुका है कि यहाँ से यहाँ के बीच में इस पॉइंट पे वायर गड़बड़ है, तो क्या करते हो, इस वाले वाले काट के निकाल दिया इसको, और फिर क्या कहते हो कि इस वाले पॉइंट को जोड़ देते हो आपस में। तो तुम जोड़ते कैसे हो, देखो तुम क्या करते हो कि ये मेरा प्लास्टिक का वायर है ना बेटा, इस प्लास्टिक के वायर को हल्का छील करके यहाँ से बाहर निकाल दिया ऐसा पॉइंट, है ना, फिर इधर वाले वायर को, इधर वाले वायर को भी क्या किया, प्लास्टिक को छील करके ऐसा पॉइंट बाहर निकाल दिया, बोलो, है ना, और फिर इन दोनों को आपस में मिला करके ऐड देते हो बेटा, है ना, अगर खुद से ऐड पाए तो ठीक है, नहीं ऐड पाए तो प्लायर लेके ऐडते हो, खूब ऐडते क्यों, ताकि जोड़ मजबूत हो, और ऐडते हुए वायर टूट जाता है, बस क्या है, जोड़ मजबूत हो। लेकिन सोच के देखना, अब अगर ऐसा वायर हो गया बेटा, है ना, बीच में कहीं ऐठन हो गई, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। मतलब बीच में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा हो गया ना। यस सर। ना बेटा, तो वायर से बेटा देखो, हमेशा हम लोग अवॉइड करते हैं इस तरह की चीज, इससे क्या होगा कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो जाएगा डेवलप बेटा, और यहाँ पे अपने आप चार्ज जमा हो जाएगा। यस सर, आ गया समझ में, है ना, तो कनेक्टर्स इसलिए होते हैं इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी। देखो बच्चा, तो पॉइंट लिख रहे थे बेटा हम लोग, पॉइंट हम क्या लिख रहे थे अभी हम लोग बताओ, मेजरमेंट, मेजरमेंट इन मीटर ब्रिज इज मोर एक्यूरेट, है ना बेटा, कहाँ पे, एट नियर मिड पॉइंट, है ना बेटा, इसका मतलब मीटर ब्रिज में हमेशा इस बात को तुम अवॉइड करोगे कि एक्स और आर का रेशियो बहुत बड़ा हो, है ना बेटा, तुम्हारी कोशिश क्या होगी हमेशा, yes, sir, एक्स और आर की वैल्यू रेशियो क्लोज टू वन हो, है ना, इसका yes. मतलब तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगे कि एक्स की वैल्यू आर से बहुत कम हो या एक्स की वैल्यू आर से बहुत बड़ा हो। yes, sir. है ना बेटा, क्लियर ना, इसका मतलब बहुत छोटे रेजिस्टेंस yes, या बहुत लंबे रेजिस्टेंस को नापने में ये फायदेमंद नहीं है, बोलो yes, इसका मतलब बहुत छोटा रेजिस्टेंस या बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नापना हो बेटा तो उसके लिए ये सही इंस्ट्रूमेंट नहीं है। yes, sir. इसका मतलब कोई और भी इंस्ट्रूमेंट की हमको आवश्यकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है बेटा। देख बच्चा, एक बात सुन ध्यान से, लैंडलाइन फोन इस्तेमाल किए हो कभी? यस सर। इतने बच्चे भी नहीं हो कि लैंडलाइन फोन नहीं देखे होंगे। लैंडलाइन फोन का एक बेसिक प्रॉब्लम, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, है ना, कि वायरिंग में कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर हुई, है ना, कहीं भी हल्का सा भी कार्बन जम गया, है ना बेटा, तो खस 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 आती है आवाज, तो सर बिल्कुल अरिजीत सिंह की आवाज आने लगती है। मतलब अजीब सी आवाज आएगी, मतलब एक बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप बजता रहेगा, खस 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 खस,
है ना। तो देखो बेटा जी, तेरे घर में बल्ब में कहीं वायर खराब हो गया, तो वायर को छील दिया, वायर को जोड़ दिया, काम बन गया तेरा, है ना। लेकिन ऐसा काम टेलीफोन वायर में नहीं कर सकते। टेलीफोन वायर में हल्के से रेजिस्टेंस के वेरिएशन से बहुत बड़ा मसला बदल जाता है बेटा, पूरा फ्रीक्वेंसी हो जाती है चेंज, है ना। इसका मतलब टेलीफोन वायर्स में रेजिस्टेंस का मेजरमेंट बहुत जरूरी है ना। हमारी वैल्यू मेजरमेंट की जो हो उसमें एरर कम से कम हो, नहीं के बराबर हो, यही कोशिश करेंगे बेटा हम लोग, है ना। इसका मतलब बेटा हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है जो इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस को ज्यादा क्लोज वैल्यू तक नाप पाए, है ना बेटा। ठीक है, तो ज्यादा क्लोज वैल्यू तक रेजिस्टेंस को नापने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं बेटा, ठीक है, उसे कहा जाता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है बेटा, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है बच्चा, अब देखो ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला फंडामेंटल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बच्चा, तुम्हारे दिमाग में जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स का नाम सुनकर के ये लाल कलर का सिलेंड्रिकल डब्बा आ रहा होगा, वो डब्बा बिल्कुल नहीं है, है ना। ये चिट्ठी डालने वाला पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ट्वेल्थ में तो नहीं पढ़ाया गया था? क्या बोला? ट्वेल्थ में नहीं पढ़ाते सर ऐसे? नहीं पढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ लो। ट्वेल्थ में क्लास दे दिया था, इसलिए उसमें नहीं। आज तक इस टॉपिक से, है ना, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में एडवांस एडवांस में दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत जल्दी पढ़ाना सर। ठीक है ना, और दो बार जो क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, जब पढ़ लोगे और जानोगे क्वेश्चन कैसा आया था। मेरी आवाज क्यों सुना रहा है मुझे? मुझे पता है मेरी आवाज बहुत खराब है, है ना। तो मुझे इसे सुना, मेरी आवाज मुझे सुना करके बेइज्जत मत कर मुझे। जितना वीडियो अपलोड करता हूँ मैं कोई भी वीडियो देखता नहीं खुद से, मैं, है ना। मेरी आवाज मत सुना प्लीज। ध्यान दे आगे। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में दो क्वेश्चन जो आ चुके हैं बेटा, एकदम तुच्छे सवाल आ चुके हैं, लेकिन वो सवाल जो बहुत तुच्छे सी है वो फील तुम्हें तभी आएगी जब तुम पढ़ोगे इसको, है ना। बहुत सिंपल चीज देख लिया जाए। देखो बच्चे ध्यान से। सर ऐसा नहीं सर, आपकी आवाज बिल्कुल सोनू निगम जैसी है। देखो बेटा, या तो तुम ये चढ़ा रहा है पेड़ के झाड़ पे, या तो ये कहना चाहता है सोनू निगम मार्केट से आउट हो चुका है अब, है ना। ये दोनों ही बातें एक्सेप्टेबल नहीं है। चलो सब्जेक्ट पे ध्यान दे, वो काम आ जाएगा। देखो बच्चा, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में फोकस किया जाए तो देख बेटा, पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो होगा एक्चुअली बॉक्स टाइप का शेप होगा, मतलब क्यूबॉइडल टाइप का एक बॉक्स तुम्हें दिखेगा एक्सपेरिमेंटल में, ठीक है। और जो उसके ऊपर का फेस होगा, जो टॉप फेस होगा उस क्यूब का, क्यूबॉइडल बॉडी का, उस क्यूबॉइडल बॉडी का टॉप फेस में तुमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा बना हुआ। देखो इस तरह का एक S टाइप का स्ट्रक्चर, कैपिटल S टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा तुमको। ठीक है बच्चा, और ये जो S टाइप का स्ट्रक्चर तुमको दिखेगा बेटा, इस S टाइप के स्ट्रक्चर में बहुत सारी तुमको दिखेंगे दिखे हुए कीज लगी हुई दिखेंगे, है ना। इसमें बहुत सारी कीज दिखेंगे, है ना। जैसे ऊपर का जो लाइन हुआ हॉरिजॉन्टल, सबसे ऊपर का लाइन, इसके दो हिस्से होंगे, इसके हमेशा दो हिस्से होंगे, ठीक है, है ना। बीच में कोई होगा सेपरेटर। और देख बच्चा, इसमें हमेशा तुम्हें दिखेगा क्या कि इसके ऊपर लगे हैं तीन कीज लगी रहेंगे ऐसे डॉट डॉट, है ना। ठीक है, थोड़ी सी चाबी इतनी लंबी कोई चीज रहेगी, फंसी रहेगी उसमें, उसे खींचना होता है बाहर, लेकिन खींच के एकदम बाहर निकालना नहीं होता है, है ना। हल्का सा पुल करोगे थोड़ा सा बाहर आ जाएगा वो, ठीक। और इस तरफ भी रहेंगे बेटा तीन कीज, ठीक बच्चा। जिस तरह से मैंने इन दोनों को सेपरेट किया है बीच में एक लाइन से, है ना,
उसी तरह से एक सेपरेटर और होगा, एक सेपरेटर और होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज देखो, इनकी जो होती है बेटा वैल्यूज, है ना, ये वैल्यूज क्या क्या होती है देख बच्चा, ये वैल्यूज होती है देखो, ये होती है बच्चा 10 ओम, है ना, ये होता है 100 ओम, और ये होता है बेटा 1000 ओम, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी क्या है, ये 10 ओम और ये है 100 ओम, और ये हमारा 1000 ओम, ठीक है बच्चा। जो तीन कीज लगी है ना बेटा, ये उनके रेजिस्टेंस है। इसमें क्या खास बात है कि एक कोई की खींच लिया तुमने, एक कोई की खींच लिया, इसका मतलब उस साइड का रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ, हाँ एक मिनट वेट करो, यहां से हमारा लाइन है बेटा, लंबी सी लाइन बच गई है ना बेटा, इस लंबी सी लाइन पे भी बहुत सारी कीज होंगी, ठीक है। क्या होंगी देखो, इसमें होंगी 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, ठीक है बच्चा, 1000, 2000, अच्छा एक मिनट रुक जा, एक मिनट वेट कर, बेटा देख 1000, 2000, एक 2000 का और भी होगा बेटा, और एक होगा 5000, ठीक है। अब ये सब क्या है, है ना, देखो तो ये भी जो होता है ना बेटा पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये भी पूरी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही होता है आधारित, इसलिए एक व्हीटस्टोन ब्रिज क्या सर्किट बनाते हैं यहाँ पे, ताकि तुम्हें मैं कंपेयर कर पाऊं। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ठीक है। यहां मान लिया मैंने ए, इधर मैंने मान लिया ए, ये है बेटा बी, और ये हमारा है सी, है ना बेटा। तो देखना बेटा ध्यान से, इस डायग्राम में जो यहां मैंने ए लिखा है समझो ये ए है, ठीक है, और जो यहां मैंने सी लिखा है समझो ये हमारा सी है, ठीक है बेटा, और बीच वाला पॉइंट जो है बेटा वो क्या है, बी है, ठीक है। जो ये हमारा है P और ये रेजिस्टेंस है Q, ठीक बेटा। इसमें R एक नॉन रेजिस्टेंस है और X एक अननोन रेजिस्टेंस है, समझा बच्चा, और बीच वाला पॉइंट है D, और D पॉइंट डायग्राम में कहां है देखो, ये D है, समझ गया, और ये हमारा लगा होता है ना बेटा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो बताओ ये बैलेंस जब होगा तो क्या कहते हो बच्चा, R बाई एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, यही कहोगे ना बेटा, बोलो। Yes, sir. ठीक है ना बच्चा, है ना। तो अब देख के बताओ बेटा डायग्राम में जो x मुझे निकालना होगा बेटा, जो x मुझे निकालना होगा है ना, उसमें क्या करना होगा, एक p और q का एक रेशियो सेट करना होगा ना मुझे बेटा, है कि नहीं, है ना बेटा, p और q का एक को रेशियो बनेगा, है ना। तो अब डायग्राम में देख के बताओ, इस डायग्राम में तुमको ए बी और जो बी सी दिख रहा है बेटा, जो ए बी और बी सी तुम्हें दिख रहा है ना, इसमें तुम क्या क्या रेशियो बना सकते हो, 1/10, 1/100, 1/1, 1:1, 1:10, 1:100, ठीक है बेटा। सुनो ध्यान से बेटा, ए बी और बी सी में, ए बी और बी सी में तुम्हारे पास जो तीन रेजिस्टेंस के ऑप्शन है ना, ठीक है,
ये तीन रेजिस्टेंस के जो ऑप्शन है बेटा, ये ऑप्शन ही ध्यान रखना और सिंगल चॉइस करेक्ट है, मतलब दो की तुम नहीं खींच सकता है ना। अगर एक की तुम खींचोगे ना बेटा, और जैसे ही तुम सेकंड की खींचोगे ना, फर्स्ट की अपने आप बंद हो जाएगा। बस समझ गया? इसका मतलब ए बी या बी सी में या तो रेजिस्टेंस 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। बात समझ गए? ठीक है बच्चा, ए बी और बी सी जो है ना बच्चा, इसमें जो तीन वैल्यूज हैं 10, 100 और 1000 है ना बेटा, इसमें एक बार में कोई एक ही रेजिस्टेंस काम करेगा, या तो 10 या तो 100 या तो 1000। क्लियर? क्लियर बच्चा? ठीक है। अब देखो, अब दिख रहा तुमको यहां पे आर, ए से डी का देखो आर है ना, तो जो ए से डी यहां दिख रहा है, इसमें देखो ए से लेके डी तक की कितनी वैल्यूज हैं? बहुत सारी वैल्यूज है बेटा। यस सर। ए से लेके डी तक में जो ये बहुत सारी वैल्यूज हैं बच्चा, है ना, ठीक है, इनमें जो कीज लगी हैं, है ना बेटा, ये पहले वाले कीज से डिफरेंट है ना। क्या डिफरेंट है? कि इन कीज में तुम एक से ज्यादा स्विच भी खींच सकते हो। बात समझे बेटा? तुम जितनी वैल्यूज खींचोगे ना, वो सारे रेजिस्टेंसेस हो जाएंगे क्या, सीरीज में, रेजिस्टेंस बॉक्स जैसा बिल्कुल। बात समझे बेटा? जैसे मैं तुम्हें 1 और 2 दोनों खींच लिया, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3 ओम हो गई। बात समझ गया? अगर मैं 1, 2, 2 तीनों खींच लिया बेटा, तो कितना हो गया, 5 ओम हो गया। अगर 1, 2, 2, 5 खींच लिया, कितना हो गया, 10 ओम। समझा बच्चा, है ना। अब जो तुम नंबर्स दिख रहे हैं ना, 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200 है ना, ये बड़े खास नंबर्स हैं बच्चा। ये बड़े खास नंबर ऐसे हैं कि इन वैल्यूज को तुम यूज करके तुम कोई भी इंटीजर क्रिएट कर सकते हो। मन में कोई भी सोचो और बोलो वो कॉम्बिनेशन में सेट कर पाओगे कि नहीं। जैसे कि चलो, अगर मैं कहूँ चलो कहे बेटा कि देश को आजाद किया जाए, है ना, 1947 पता किया जाए, पता कर सकते हो? 1000 निकालो, 500 निकालो, 200 और 200 निकालो, कितने हो गए बच्चा, 1900। फिर 20 और 20 निकालो, 40, एक 5 निकालो, एक 2 निकालो, आ गया? यस सर। ये बात दिमाग में गई बच्चा कि नंबर बड़े स्पेशल हैं ये। मैथमेटिक्स के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से लेके नंबर बनाए गए हैं ये, है ना बेटा। ऐसे नंबर्स कि तुम एक से लेकर के 11110, फिर सुन लो, 11110 ओम तक तुम कोई भी इंटीजर ला सकते हो, है ना। 11110 में क्यों बोल रहा हूं ऐसा, सबको जोड़ दो, क्योंकि सबको जोड़ लो, जैसे 5000, 2000, 2000, 1000, कितना हो गया बेटा, 10000 हो गया। 500, 200, 200 और 100 कितने हो गए, 1000, 11000 हो गए। 50, 20, 20, 10 कितने हो गए, 100, 5, 2, 2, 1 कितने, 10 हो गए, 11110। लेकिन ये वैल्यू याद करने वाली इसलिए नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन में हो सकता है कि इसको एक्सटेंड कर दे, बोल दे 5000 के बाद में और लगा दूंगा, 10000, 20000, 20000, 50000, है ना। या बोलेगा मेरी वैल्यू जो है 100, 200, 200, 500 यही पे खत्म हो गई, ये भी कर सकता है ना। yes, वो तो सर जितना आया तो जोड़ yes. हाँ, बस जोड़ देना है, क्या करना है। ठीक है बच्चा, समझ गया। चलो अब सर्किट कंप्लीट किया जाए। तो देख बेटा, व्हीटस्टोन बीज वाले सर्किट से पूरा करोगे अगर, है ना बेटा। तो देखो इसमें क्या लगाया है बेटा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं बेटा, बी और डी में। बी कहाँ है देखो, ये रहा बी पॉइंट, इधर रहा डी पॉइंट, तो बी से और डी में गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस कौन सा, एक्स। अननोन रेजिस्टेंस कहां से कहां जोड़ना है बेटा, सी से डी, डी से सी, डी से सी से डी, है ना बेटा। तो सी वाला वायर है ना, चलो मैंने कहा बहुत लंबा वायर है, ये बहुत लंबा वायर है, सी से डी में जोड़ दिया। बैटरी कहां से कहां जोड़ना है बेटा, ए से और सी में,
ये रहा बेटा ए पॉइंट, ये रहा सी पॉइंट, है ना, जोड़ दो एक बैटरी, सर्किट कंप्लीट। यस सर। हाँ, अब तक जो दो सवाल आए थे वो ये आए थे, है ना, कि गैल्वेनोमीटर कहाँ से कहाँ जोड़ेंगे। एक बार ये आया था और एक बार ये आया था बेटा कि अननोन रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं। ठीक है बच्चा, अब एक सवाल बचा है इसमें, एक सवाल बचा है कि सेल कहाँ से कहाँ जोड़ेंगे। अगला बार उम्मीद रखो हो सकता आ जाए। चल देखो बेटा पढ़ा जाए इसको, अभी यूज कैसे करते हैं देखो। देखो बेटा इसका जो मेजरमेंट होता है ना, ठीक, वो रेशियो कहाँ से बनता है बोलो, ए बी और बी सी में ना बेटा, इसलिए इसलिए क्या बोलते हैं ए बी और बी सी में क्या बोलते हैं, तो कहेंगे ए बी एंड बी सी आर कॉल्ड रेशियो आर्म्स। ठीक है बेटा, काम नाम क्या है रेशियो आर्म्स, इसका पर्पस क्या है, एक रेशियो फॉर्म करना। ठीक है चलो बेटा एक्सपेरिमेंट शुरू करें। देख बच्चा एक्सपेरिमेंट का हमारा पहला स्टेप, ठीक है, क्या करो कि ए बी में तुम कर दो कितना रेजिस्टेंस 10 ओम और बी सी में भी कर दो 10 ओम, है ना बेटा, कैसे करोगे, ये दोनों की खींच लोगे। ठीक है बच्चा, तो दोनों में रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चा 10 ओम हो गया। ठीक है बात समझे, है ना। अब क्या करोगे, अब कहोगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन आर्म एडी, इन आर्म एडी इज वैरीड, क्या करोगे इसको वैरी करोगे। ठीक है बेटा, कहां से स्टार्ट करोगे, 1 ओम से वैरी करना शुरू करोगे। ठीक है बच्चा, वैरी करते गए वैरी करते गए, है ना बेटा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस इन आर्म एडी इज वैरीड, है ना, वाचिंग वाचिंग गैल्वेनोमीटर विथ केयर, समझा बेटा, गैल्वेनोमीटर को ध्यान से देखते हुए एक एक ओम के रेजिस्टेंस को तुम वैरी करो, समझा बच्चा, है ना। तो देखो बेटा एक एक ओम के रेजिस्टेंस को वैरी करोगे, है ना, वैरी करते गए करते गए करते गए, एक से पहुंचे 10, 10 से पहुंचे 21, 21 से पहुंचे 25, 25 से पहुंचे 28, है ना बेटा। ठीक है, जैसे ही मैंने, सुनो ध्यान से, जैसे ही मैंने 27 ओम से 28 ओम किया, है ना बेटा, मैंने देखा गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन था पॉइंटर वो जीरो हो गया। सुना? यस सर। यस सर। बोलो बेटा अभी तेरा कितने का रेशियो है? 1:1। अभी रेशियो चल रहा है किसका बेटा, स्टेप वन में 1:1 का, है ना बेटा। और देखो 28 ओम पे जीरो हो गया डिफ्लेक्शन, इसका मतलब 28 ओम पे बैलेंस हो गया। यस सर। इसका मतलब ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू 28 ओम है और एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया हमारा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना, ऐसा होगा नहीं, बहुत कम चांसेस होने के हैं बेटा। होगा क्या, देखो कि जैसे ही 27 ओम तुम किया था रेजिस्टेंस, तो जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है ना पहले ऐसे था, ठीक है बेटा, जैसे ही तुम 27 ओम से 28 ओम किया ये पॉइंटर इधर हो गया, इसका मतलब क्या है, करंट अपोजिट डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया ना। यस सर। याद है ना करंट का डायरेक्शन चेंज कैसे करता है, याद बताया था ना मैं, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे। बोलो कब होता था ऐसा, जब रेशियो चेंज करता था। यस सर। इसका मतलब ये बेटा कि जो बैलेंस पॉइंट होगा वो 27 ओम से 28 ओम के बीच में है। यस सर। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। बोलो बेटा। तो चलो मैंने एक डाटा मैंने खुद से मान करके आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, है ना, ठीक है, डाटा मैं खुद से लेके आगे बढ़ रहा हूँ, कहता हूँ लेट, मान लो व्हेन रेजिस्टेंस इन एडी, एडी में रेजिस्टेंस इज वैरीड, इज वैरीड फ्रॉम 27 से 28 किया, और जैसे ही मैंने किया क्या देखा मैंने, वी हैव ऑब्जर्व्ड
चेंज इन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर में क्या देखा बेटा हमने कि डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन में चेंज आ गया. ठीक है, बात समझे? ठीक. और रेशियो कितने का है बच्चा? वन का था ना. इसका मतलब तो ये हुआ बेटा, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है बच्चा वो 27 ओम से बड़ा है. बोलो. yes, है ना, 27 ओम से बड़ा है लेकिन 28 ओम से छोटा है. इसका मतलब 27 के बाद कोई डेसिमल प्लेस का वैल्यू है. बोल बच्चा. yes, sir. Clear हो गया ना? अब ये डेसिमल प्लेस पता करना है मुझे, है ना. लेकिन हमारी मजबूरी क्या है बेटा कि देख के बताओ, ए से डी के वेरिएशन में क्या डेसिमल में रेजिस्टेंस पुट कर सकते हो कभी? नो सर. नो सर. नो सर. नहीं ना बेटा, कभी नहीं कर पाओगे ना. yes, ये संभव ही नहीं है. ये सारे इंटीजर्स आएंगे, है ना. yes, ठीक है बेटा. तो चलो मैं मान लेते हैं कि इस डेसिमल के बाद इसमें एक ही अंक है ना. तो बताओ बेटा, डेसिमल के बाद अगर एक ही अंक है तो इसको इंटीजर बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 10 10 10. अगर पता हो कि 0.5 है, है ना, तो 2 से कम हो जाएगा. यस सर. लेकिन अगर ये 0.2 है तो 5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. यस सर. तो नहीं जानते ना क्या है. यस सर. है ना, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो श्योरली कन्वर्ट करते हैं, चाहे कुछ भी हो. वो सही हो सकता है ना बेटा. यस सर. हमारा अगला स्टेप में क्या होना चाहिए? आया समझ में? यस सर. दोनों तरफ मल्टीप्लाई. हां, इस बार रेशियो कितने का बना देंगे हम? 10 ओम का बना देंगे, है ना. रेशियो बना देंगे 10 का. बेटा म्यूट कर ले प्लीज. देखो, ए बी मैंने कर दिया कितना बच्चा? 100 ओम. ए बी मैंने कर दिया बच्चा 100 ओम, है ना. और जो बी सी हमारा है उसको तुम अभी भी छोड़ दो कितना? 10 ओम ही. इस ए बी में, इस डायग्राम में देखो, ए बी कर दिया मैंने 100 ओम और बी सी छोड़ दिया अभी भी 10 ओम. तो रेशियो हो गया 10 का ना. बोलो. yes, sir. ठीक है बेटा. इसका मतलब सोचो, अगर 10 का रेशियो है बेटा तो 27 पॉइंट समथिंग कुछ भी अगर है, है ना बेटा, तो इसका 10 गुना जो होगा वो 270 से लेकर के 280 के बीच में होगा. यस सर. इसका मतलब आर्म एडी में रेजिस्टेंस कहां से कहां वेरी करना है मुझे? 270 से स्टार्ट करना है ना. यस सर. समझे? हाँ, फिर से लिखोगे वही सेम चीज. रेजिस्टेंस इन आर्म एडी इज वेरीड, है ना बेटा. ठीक है, चलो मान लिया. जब वेरी करते गए और जैसे ही मैं 275 से 276 पे आया बेटा, तो क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर में दिख गया डिफ्लेक्शन 0. ठीक है बेटा. तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख गया 0, इसका मतलब अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? तो कहेंगे 275 से 276 के बीच में. इसका मतलब बेटा बोलो. तर आवाज रुक गई थी, कुछ सुनाई नहीं दिया. मैंने कहा बच्चा, ये 275 से 276 तुम किसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो, एक्स की या आर की? आर की ना बेटा, है ना. तो आर की वैल्यू कंफर्म हो गई ना बेटा. अगर 276 पे आकर के ये बैलेंस हो गया, नल पॉइंट आ गया, इसका मतलब आर की वैल्यू 276 होगा, तो हो गया बैलेंस, है ना. yes, और रेशियो कितने का था बच्चा? 10 का ना. yes, इसका मतलब x की वैल्यू 27.6 है और एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया. राइट. बात समझ में आई? यस सर.
अगर अगर आर की वैल्यू 276 पे बैलेंस हो जाती है, इसका मतलब नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल आर 276 से बैलेंस हो गया है ना, और हमारा 10 का रेशियो था, इसका मतलब एक्स की वैल्यू इसका 10 गुना कम होनी चाहिए, तो 276 बाय 10 तो एक्स की वैल्यू 27.6 हो गया, आंसर खत्म। यस सर। लेकिन ऐसा होगा नहीं, यहाँ भी क्या होगा, फिर समस्या वही आएगी, कहोगे क्या कि इफ 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 रेजिस्टेंस इन आर्म एडी इज वैरीड फ्रॉम 276 ओम टू 270 ओम, वेरी किया तुम, ठीक है, तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर चेंजेस डायरेक्शन, समझा बच्चा, ठीक है, डिफ्लेक्शन डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, है ना बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, आर की वैल्यू 276 से बड़ा होना चाहिए और 270 से कम होना चाहिए, बोल बेटा, है ना, और रेशियो बच्चा 10 का था, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो कहेंगे एक्स की वैल्यू 0.676 से लेकर के 27.7 ओम के बीच में होना चाहिए, है ना, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 27.6 के बाद कोई और एक नंबर भी होना चाहिए, बोलो, ब्लैंक स्पेस। यस सर। बात समझे ना, ठीक, इसका मतलब अभी हमें एक और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो बोलो बेटा डेसिमल का दूसरे अंक को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कम से कम 100 से, मिनिमम बेटा 100 ना, बोलो yes, है कि नहीं, इसका मतलब कितने का बनाओगे रेशियो अब, 100:1 का, समझा बेटा, ठीक है, तो क्या करोगे, फिर से कहोगे ए बी को क्या कर दिया जाए, 1000 ओम, और बीसी को अभी भी छोड़ दो कितना बच्चा, 10 ओम, डायग्राम में देखो, ठीक है बेटा, है ना, बात समझ गया ना, फिर से वही स्टेप करने हैं, क्या करना है, एडी में रेजिस्टेंस वेरी करना है, और कहां से स्टार्ट करना है, इसका 100 गुना करो, 2760 2760 से स्टार्ट करना है बेटा, बोलो, यस सर, ये बात दिमाग में गई, यस सर, बोलो, फिर वेरी करोगे बेटा, फिर वेरी करोगे, है ना, और फिर देखो, इफ रेजिस्टेंस इन एडी इज वेरीड फ्रॉम 2764 ओम टू 2765 ओम, चेंज किया मैंने बेटा, है ना, वी अगेन फाउंड चेंज इन, बोलो सर, हम लोग ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि मतलब 2700 के बाद 64 ही आएगा, 64 से 64। अच्छा एक मिनट मुझे बताओ, मैं ये एक्सपेरिमेंट को करके, सुना ध्यान से, है ना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को करके मैं क्या करना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस नापना चाहता हूँ ना बेटा, तो तुमसे पूछे कि ये बताओ कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स तुम क्या इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, तो क्या तुम उसको ये बोलोगे कि मैं इससे 27.64 ओम का रेजिस्टेंस नाप सकता हूँ, बोलो, यस सर, या फिर ये कहोगे कि मैं डेसिमल के दो अंकों तक नाप सकता हूँ, सर दो अंकों तक, सर दो अंकों तक नाप सकता हूँ, बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मान लिया कोई डाटा लेके बढ़ेंगे ना आगे, तेरे को अगर 64 पसंद नहीं आ रहा बेटा तो 65 मान ले,
कोई दिक्कत नहीं, मैं यूं इमेजिन करने को बोल रहा हूँ कि मान लो कि मैं एक्सपेरिमेंट तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, है ना बेटा, और ये चीजें घटनाएं घट रही है, उस घटनाओं से निष्कर्ष कैसे निकालेंगे वो सिखा रहा हूँ बच्चा, समझे बात को। तो मान लिया कि बेटा कि 2764 से 27 मैंने किया तुम्हारे सामने, तो तुमने क्या देखा कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन में चेंज आ गया फिर से, है ना बेटा, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन में चेंज आ गया, इसका क्या मतलब है बोलो बेटा। इसका मतलब आर की वैल्यू कितना चाहिए उसको, आर की वैल्यू चाहिए बेटा 2765 बेटा वैल्यू, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2765 बच्चा, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए 27.64 के बाद भी कोई नंबर होना चाहिए बेटा, बोलो होना चाहिए ना। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि मेरे पास 100 से बड़ा रेशियो फॉर्म करने का ऑप्शन नहीं था, है ना। अगर 100 से बड़ा रेशियो का 1000 का फॉर्म करने का भी होता तो हम एक और निकाल पाते। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो ए बी और बी सी में दे दिया रेजिस्टेंस इस तरह से कि रेशियो 10000 तक बन सकता है, इसका मतलब तुम डेसिमल के 4 अंकों तक निकाल सकते हो। बोलो यस सर, ये बात समझ आई ना बेटा, ठीक है। तो चलो अभी गिवन कंडीशन में ही बात करते हैं ना बेटा, अभी तो कंफर्म हो गया ना कि तुम 100 से बड़ा नहीं कर सकता रेशियो, यस सर, है ना। अच्छा मुझे बताना बेटा ध्यान से कि टोटल एडी में कितना रेजिस्टेंस हो सकता है मैक्सिमम, एडी मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 11000 इससे ऊपर कर सकते हो ना कि नहीं कर सकते, इससे ऊपर नहीं कर सकते। चलो बच्चे ऐसे करते हैं, 100 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा बोलो, 11000 से डिवाइड कर 111.1 ठीक। तो देख बेटा मैं कह रहा हूँ क्या, अगर तेरा रेजिस्टेंस 0 से लेकर के 111.1 तक ओम है ना बेटा, तो तुम 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल सकते हो इस अरेंजमेंट में, समझे बच्चा। अगर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू 111.1 तक होगा तो 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल सकते हो, ठीक है बच्चा। लेकिन अगर 111.1 से लेकर के 1111 ओम हो, है ना बेटा, तो तुम 2 डेसिमल नहीं निकाल सकते, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस निकाल सकते हो, बात समझे बेटा। सोच के देखो, चलो मान लेते हैं बेटा अननोन रेजिस्टेंस 2000 है ना बेटा, तो बताओ 2000 का 10 गुना कितना होता है, 20000। अब बताओ क्या एडी वाले आम में तुम 20000 ला पाओगे, नहीं, इसका मतलब अगर ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर अननोन रेजिस्टेंस की 2000 हो गए बेटा, है ना, तो 10 के रेशियो में बैलेंस कर पाओगे क्या, नो सर, तो 10 के रेशियो फॉर्म नहीं कर पाओगे ना बेटा, बात समझ में आई ना। तो 1111 तक में क्या है 1 डेसिमल प्लेस निकाल सकते हो ना बेटा, लेकिन अगर तेरा 1111 ओम से भी बड़ा हो गया एक्टिव वैल्यू, है ना, तो तुम कोई डेसिमल प्लेस नहीं निकाल सकते, ये बात समझ में आई बच्चा, क्लियर है, है ना। तो अगर तुम्हें रेशियो में चेंज कर दूं तो कर सकते हो तुम काम, ये सब जस्टिस जजमेंट कर सकते हो कि नहीं बताओ, जो मैंने अभी किया जजमेंट, यस सर। सबसे पहले क्या किया मैंने बताओ, एडी के टोटल रेजिस्टेंस को निकाला, एडी के टोटल रेजिस्टेंस को निकाला बेटा, उसके बाद 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड करे क्या किया, कहा उससे कम जो होगा उसमें तुम 2 डेसिमल प्लेस निकाल सकते हो, है ना। तो चलो मान लो अगर सवाल ऐसा हो बेटा कि इसमें रेशियो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो, कैसा दिया हो देखो, 10, 100, 1000, 10000,
दस सौ हजार दस हजार, तो कितने का रेशियो बना सकते हो बताओ? हजार तक का, 1000 तक का। तो डेसिमल कितने प्लेस तक निकाल सकते हो? थ्री प्लेसेस। तो बताओ कितना रेजिस्टेंस तक की वैल्यू को तुम डेसिमल के तीन प्लेस निकाल सकते हो? 10000 तक। डेसिमल के तीन प्लेस तक तुम कितने वैल्यू को निकाल सकते हो? तो क्या कहोगे, हजार से डिवाइड मारोगे किसमें? एडी के रेजिस्टेंस में। एडी कितना था? 11110। हजार से डिवाइड करो कितना हुआ? 11.11 तक के रेजिस्टेंस को डेसिमल के तीन प्लेस, है ना बेटा? यस सर। 11.11 से लेकर के 111.1 तक डेसिमल के दो अंक। यस सर। 111.1 से लेकर के 1111 तक डेसिमल के एक प्लेस। यस सर। 1111 से आगे तुम सिर्फ कोई डेसिमल प्लेस नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है बच्चा? यस सर। कैसे करते हैं, समझ में आ गया ना? Yes, sir. जैसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ इस पार्टिकुलर अरेंजमेंट में, इस पार्टिकुलर अरेंजमेंट में डेसिमल के बाद का पहला अंक निकाल सकते हैं कि नहीं, ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, जो भी तुमको दिया हो वैल्यू उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना? Yes, और देखेंगे क्या वो वैल्यू एडी में आ सकता है, और अगर आ सकता है तो डेसिमल का एक प्लेस निकाल सकते हैं, नहीं आ सकता तो नहीं निकाल सकते। क्लियर बच्चा? Yes. ठीक है, yes, तो बहुत डिफिकल्ट सवाल में हो गया, हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, मत टेंशन ले, है ना? लेकिन कॉन्सेप्ट साथ समझ गया ना बच्चा? yes. Yes, सारी मैथमेटिक्स समझ में आ गई, है ना? yes. तो चलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा हम लोग का। yes. तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब तुम्हें एक और काम दे रहा हूँ। ठीक, देख बेटा इसमें कौन आता है टॉपिक, कलर कोड्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। कार्बन रेजिस्टेंस, या तो बोलोगे तो पढ़ा दूंगा, है ना? ठीक है, उसका वीडियो मैंने बना के अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, वो देख लो। यस सर, यस सर। हाँ, बस कोई वैल्यू याद ही करने पाया लगा, उसमें कुछ है नहीं, तो वैल्यू वीडियो देखे ना, उसमें कलर कोड्स ऑफ रेजिस्टेंसेस नाम से टॉपिक होगा, वो ढूंढना। यस सर, देख ली सर। वही बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन एंड वेरी गुड वाइफ। हां हां हां, भाई 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 भाई, डॉक्टर साहब की कहानी पढ़नी है हम लोग को, ठीक है? चलो बच्चा, ये चैप्टर कंप्लीट हम लोग का, है ना? होमवर्क में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बेटा, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 कर लोगे ना? ओके सर। और इस पूरे वीक का टारगेट है ना बेटा, नेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट बोलेंगे, प्रेजेंट वीक, प्रेजेंट वीक का आपका बच्चा लक्ष्य यह है कि आप B24 से लेकर के B25 से लेकर के B28 तक कर लेंगे आप। ओके सर। ओके बच्चा सर। हाँ बोलो सर। पार्ट टू दे दीजिए एक्सरसाइज 2 में, पहले पार्ट 2 दे दूं? ऐसे क्यों आया दिमाग में आया बेटा? सर वो थोड़ा सा हो गया है पार्ट 1 एक्सरसाइज 2 में। पार्ट 1 हो गया पूरा? यस सर। डाउट नहीं है उसमें कुछ भी? सर है। कम डाउट है या ज्यादा डाउट है? सर ज्यादा तो नहीं है। मतलब 2 पार्ट 1 में कितने डाउट क्वेश्चन तुम्हारे होंगे, 5 क्वेश्चन या 5 से ऊपर? सर ऐसे तो याद नहीं है। चल कोई बात नहीं, चलिए पार्ट 3 करते हैं, कल तुम्हें देंगे होमवर्क, पार्ट 2 देंगे होमवर्क, ठीक है? ओके चल बच्चा कर, ठीक है? YouTube पर डालोगे इस वीडियो को? हां डाल दूंगा बच्चा। अरे फाइल भी तुम्हारे तो नोट्स डाल दीजिएगा, ठीक है? और ये फाइल भेज दूंगा, कार्बन की भी लिंक भेज देना, ठीक है? ओके बच्चा, थैंक यू, बाय बाय।